आज हम कुछ इस तरह को एक्सप्लोर करेंगे अपनी वीडियो में। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि हमने ब्रह्म सरोवर का कवर करा था, वैसे ही हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो मेरा सेकंड ब्लॉग होने वाला है उसमें मैं आप सब लोगों को कुछ इस तरह की कुछ और बेस्ट प्लेसेस के लिए दिखाऊंगा जो जहाँ पर आप आकर घूम सकते हैं। अगर आप जैसे दिल्ली तैयारी लगने वाली है तो आप लोग यहाँ पर आकर उसे विजिट कर सकते हैं, उन लोकेशनों पर जा सकते हैं, कुछ अपना टाइम को स्पेंड भी कर सकते हैं वहाँ पर। लो गाइस, आज की वीडियो में हम सारे जा रहे हैं कुक्षेत्र को एक्सप्लोर करूंगा मैं आज की वीडियो में। पहले मैं जा रहा था ज्योतिषा के पास, कल्पना चावला का तारा मंडल है ज्योतिषा के पास ही है, वहाँ के लिए आपको ऑटो भी मिल जाएगा। और कल्पना चावला के बारे में यहाँ पर सब कुछ बताया हुआ है कि कल्पना चावला का जन्म वगैरह कब हुआ था और कब गई वो अंतरिक्ष में। तो ये देखो गाइस, वहाँ पर वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि बनाने के लिए अलाउड नहीं था वीडियो, मैंने फिर भी बना ली थोड़ी बहुत ही, जितना हो सकता था मैंने कोशिश करा बनाने की और आप सब लोगों को दिखा रहा हूँ। ये एक नहीं बना पाया था गाइस में, तो उसके बाद मैं आगे चल पड़ा गाइस। ये देखो, ये थी उसकी लोकेशन जो थी, जो कुछ इस तरह गए यूनिवर्सिटी के थर्ड गेट के पास से जाता है रास्ता। ये मैं उसके बाद मंदिर में आया जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। ये देखो गाइस, ये सभी भगवानों की मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई हैं यहाँ पर। और मैं आप सब लोगों को अभी आगे पेड़ भी दिखाऊंगा जहाँ पर ज़्यादातर मेन जो गीता का उपदेश दिया गया था कौन से पेड़ के पास दिया गया था, उस पेड़ को भी मैं अभी दिखाता हूँ गाइस आप सब लोगों को। ये कुछ भगवानों की मूर्तियाँ जो महाभारत के टाइम पर थी, ये कृष्ण अर्जुन की, ऐसे ऐसे कुछ और कहीं हैं, ये संजय और धृतराष्ट्र की, ये दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य दोनों की, ये शीशा लगा हुआ था और उस पर शाइनिंग आ रही थी गाइस, रोशनी के कारण दिख नहीं रहा था इसलिए मैं हॉल में से दिखा रहा था। ये देखो, ये सरस्वती मंदिर था लेफ्ट में और ये गीता मंदिर था गाइस राइट साइड में। और जो ये पेड़ मैं दिखाऊँगा, ये राइट साइड में जो ये पेड़ है सामने, यही है गाइस जहाँ पर गीता का उपदेश दिया था। और ये बहुत ही ज़्यादा पुराना पेड़ है गाइस, इसको पेड़ को जब आप सब लोग पास जाकर देखोगे आपको दिखेगा कि कितना पुराना हो सकता है, क्योंकि कितनी शाखाएँ इसकी दिख रही होंगी आप सब लोगों को भी यहाँ पर। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि अगर आप कुरुक्षेत्र में आते हैं तो ज़रूर इस जगह पर एक बार आकर विजिट कर जाएं। बाकी मैं कुरुक्षेत्र को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये देखो, कृष्ण भगवान और अर्जुन, और इस वीडियो का मैं सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगा जिसमें मैं कुछ और जगहों के बारे में आप सब लोगों को दिखाऊँगा। ये पार्ट वन ही है गाइस जिसमें मैंने दो जगहों को इंक्लूड करा है, एक तो कल्पना चावला का तारामंडल और दूसरा ये मंदिर गीता उपदेश मंदिर ज्योतिषर में है, जो कि यहाँ के लिए आपको ऑटो भी मिल जाएगा। तो गाइस ये मैं आज की वीडियो में यही था पार्ट वन में, पार्ट टू के लिए बने रहें। थैंक यू।